हाँ हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ भागिएगा कोई नहीं, वो जब तक वो हदीस नहीं सुना दो उसको सुन के जाना है, और कोई आपको हिंदुस्तान से भगा नहीं पाएगा, इतना आप यकीन जानिए, कोई नहीं भगा हुआ, कोई नहीं भगा पाएगा, कोई नहीं भगा पाएगा, इतना आप गिरह बांध लीजिए। दो साल पहले आपने देखा तो भगा देंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सर्टिफिकेट, इलेक्शन आई कार्ड, नाम कहीं आलम, कहीं अंसारी, कहीं मोहम्मद, सारे मौलाना बम्बई कर्नाटक छोड़ छोड़ के घर आ रहे थे, और घर आने के बाद बी एल ओ के पास कोई दौड़ रहे थे, कोई बैंक दौड़ रहा था, कोई कचहरी दौड़ रहा था, नाम दुरुस्त करवाना है। हजरत सर्टिफिकेट में कुछ है, आधार कार्ड में कुछ है, इलेक्शन आई कार्ड में कुछ है, पैन कार्ड में कुछ है, और वस्तानिया में कुछ है, फ़कानिया में कुछ है, मैट्रिक में कुछ है, सबको दुरुस्त करना है, दुरुस्त करना है, सब नौकरी छोड़ छोड़ करके दुरुस्त करना। क्यों? ये बोलता है कि नाम मैच नहीं करेगा, भगा देंगे बांग्लादेश। ये ज़मीन का कागज़ दुरुस्त करो, 1932 से पहले लाओ, वरना भगा देंगे अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान से जो भाग के आएगा उसको हम चीफ गेस्ट बना के रखेंगे, और जो 1000 साल से यहाँ है उसको भगा देंगे उसको। क्या पागलपनी की बातें कर रहा था, इख्तदार मिला, कुर्सी मिली, पागल हो गया। अब कोई तिड़ी पार था तो कोई चाय बेचता था, कोई कुछ करता था, कुर्सी मिली, दिमाग ख़राब हो गया सबका। क्या लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में कोहराम मचा दिया, भागो, बीएलओ जाओ, ऑफिस जाओ, बैंक जाओ, यहाँ जाओ, अब सबका चेहरा सूख रहा था कि अब तो हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा। वो डिटेंशन कैंप में चला गया, वो वहाँ चला गया। ए मुसलमान, चेहरा तुम्हारा उतरा हुआ था, तुम सब के दिमाग में एक बात थी कि पता नहीं अब पूरी आबादी खाली करवा देगा, इनके पास फौज है, ताकत है इनके पास। सब परेशान थे, लेकिन कुछ अल्लाह के मखसूस बंदे थे जो रात में उठकर तहज्जुद के बाद आंसू बहाते थे। तुमने बहुत चिल्लाया, गवर्नमेंट के कान पे कोई असर नहीं हुआ। खूब 3-4 महीने तक मेरी मां बहन बेटियों ने प्रोटेस्ट शाहीन बाग में किया, कुछ नहीं सुना जाएगा, चूंकि ताकत पर घमंड ही इतना है कि कोई एहतजाज, कोई प्रोटेस्ट नहीं सुना जाएगा। मौलाना चिल्लाते रहे, कुछ नहीं, जेल में डाल देंगे। नेता चिल्लाता रहो, ओवैसी जी, कुछ नहीं, चुपचाप रहो वरना जेल में डाल देंगे। सारे लोग चिल्लाते रहे, कुछ नहीं हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन तुम्हें मालूम है, जिन लोगों ने आँख से आंसू के कतरे बहाए, जिन लोगों ने आहे सहरगाही से काम लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर तड़प तड़प के, टूट टूट के रो करके दुआएं मांगी, वो दुआ इस कदर असर कर गई कि इनके गुरूर को तोड़ने के लिए कोई दूसरी अमरीकी फौज नहीं आई, इनका गुरूर तोड़ने के लिए पाकिस्तान की आर्मी नहीं आई, गुरूर तोड़ने के लिए चाइना जापान की आर्मी नहीं आई कि इनकी आर्मी को मार दें, गुरूर टूट जाए, नहीं नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुआंग सिटी से एक छोटा सा कीड़ा भेज दिया। अब वह कीड़ा, जो कुदरत का कानून है, अल्लाह नमरूद को बादशाहत देना जानता है, पूरी दुनिया का बादशाह नमरूद को बनाया, जब उसके दिमाग में कीड़ा काटा के ताकत मिल गई, इख्तदार आ गया, सब मुझको सजदा करो, मैं तुम्हारा खुदा हूं, तो अल्लाह ने छूट दी 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल। उसके बाद जब पकड़ा तो जिन लोगों से सजदा करवाया था, अल्लाह ने एक मच्छर अंदर घुसा के उनके सामने तड़पा तड़पा के मार दिया। जिसके सामने वह खुदाई का दावा किया था, उनके सामने जलील होकर, पिशा पखाना करके, तड़प तड़प के मरा। तो अल्लाह ने बताया कि मैं हुकूमत देना भी जानता हूं, और हुकूमत का गलत इस्तेमाल हो तो इसी तरह मामूली मच्छर से हिला करना भी जानता हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून है, चूंकि सारी हुकूमत तो अल्लाह की है, ज़मीन अल्लाह की, आसमान अल्लाह का, सारी कायनात अल्लाह की। अल्लाह ने इंसान को पानी की एक बूंद से पैदा किया है, पहले मिट्टी का पुतला, फिर पानी की बूंद, और फिर पेट में हमेशा 2 kg पखाना दे करके इसके गुरूर को तोड़ा है कि तुम पूरे भारत का बादशाह हो, अलग बात है, लेकिन जब पेशाब पखाना लगेगा तो वाशरूम में वही काम तुम करेगा जो काम एक भंगी करता है। अपना पखाना धोने के लिए किसी नौकर को नहीं ले जाएगा, अपने हाथ से धोना पड़ेगा। तो जो काम भंगी करता है दूसरे का पखाना ढोता है, और तुम अपना पखाना धोता है, तुझ में और भंगी में क्या फ़र्क है? सारा गुरूर तोड़ने के लिए अल्लाह ने हर इंसान के साथ पखाना लगा दिया है, ताकि जब भी इसको गोरे रंग पे घमंड हो, जब भी इसको अपनी ताकत और कुव्वत पे घमंड हो, बादशाहत पे घमंड हो, और जब वॉशरूम में अपना पखाना धोए तो पता चल जाए कि इसमें और भंगी में क्या फ़र्क है। सारा गुरूर चूर चूर हो जाएगा। बंदा जब इस पॉइंट पे गौर करता है,
करता नहीं है, चूंकि बस पागलपनी का मुजाहरा करता है, इसलिए मैं बड़ा क्या बड़ा। 5 मिनट की गहरी नींद मुर्दा बना देती है हम लोगों को। नींद आई उस वक्त में कोई गर्दन काट दे तो कोई देखेगा नहीं। वो चूंकि नींद एक कमजोरी हमारी है, पसीने की बदबू हमारी कमजोरी है। गरीब का बेटा, उसका पसीना भी बदबूदार होता है, और पूरे अमेरिका के मालिक का बेटा, उसका बेटा, उसके बेटे का पसीना ही बदबूदार होता है। गरीब भी पेशाब पखाना करता है, अमीर भी करता है। गरीब भी सोता है, अमीर भी सोता है। वो पानी जिसको कुत्ता सुअर सब पीता है, उस पानी के बगैर बादशाह भी जिंदा नहीं रह पाएगा। अगर बादशाह, अगर पानी के बगैर बादशाह जिंदा रहता तो पानी कभी टच नहीं करता बादशाह। इसको तमाम मजदूर, नौकर चाकर, चपरासी, जानवर, बैल, भैंस, सुअर, कुत्ता सब पीता है। हम क्यों पिए उसको जिसको सब इस्तेमाल करता है? बादशाह का मजाज होता है कि हम जो कपड़ा पहने वो कोई नहीं पहने, हम जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस पर कोई नहीं बैठे, हम जो घड़ी पहने वो कोई नहीं पहने। उसका बादशाह का एक मजाज होता है, अमीरों का मजाज होता है। चूंकि पानी उसकी मजबूरी है, वह दूध पी के भी जिंदा नहीं रह सकता हमेशा, कोल्ड ड्रिंक्स पी के भी हमेशा जिंदा नहीं रह सकता, पानी उसकी जरूरत है। अल्लाह ने पानी की जरूरत बना करके बता दिया कि तुम में और सुअर कुत्ते में, इस चीज में दोनों बराबर है। तुम भी उसके मोहताज हो, सुअर भी उसके मोहताज है। कभी भी दिमाग में घमंड आए तो फिर पानी की अहमियत पे गौर कर लेना, सारा गुरूर चूर चूर हो जाएगा तुम्हारा। अल्लाह ने ये सारी कमजोरियां मेरे साथ लगा दी हैं। आज मैं जिंदा हूं, कल मर गया। आज मैं सेहतमंद हूं, कल बीमार हो जाता हूं। आज मैं दौलत पे गुरू करता हूं, कल सड़क छाप हो जाता हूं। कल जिस मजदूर को मैं हकीर समझता था वो आज अरबपति हो गया, और हम उस अपने यहाँ गाय चरवाते थे और हमारा बेटा ऑटो चलाता है जाके गाजियाबाद में, नोएडा में, बाद जमींदारों के बेटा ऑटो चलाता है। मजदूर 50 करोड़ का बंगला बनाया हुआ है, बम्बई में घर बनाया हुआ है, ठेकेदारी कर रहा है। कौन है जो गरीब को अमीर बनाता है, अमीर को गरीब बनाता है? वह कोई नहीं, वह अल्लाह के साथ है। किसी चाय बेचने वाले को बादशाह बनाना जानता है तो फिर बादशाह छीन के हाथ में कटोरा दे के भीख मंगवाना भी जानता है। तुम घबराना कभी मत, नहीं निकाल पाएगा ये। नमरूद को अल्लाह ने पूरी दुनिया की बादशाहत दी थी। हिंदुस्तान पूरी दुनिया के सामने एक छोटा सा मुल्क है। अल्लाह ने नमरूद को पूरी दुनिया की बादशाहत दी थी, कोई दूसरा बादशाह नहीं था, सिर्फ नमरूद। चूंकि 4 ही बादशाह ऐसे हुए हैं जो पूरी दुनिया में जिनकी सल्तनत हुई है, उसमें से 2 मुसलमान हैं, 2 काफिर हैं। मुसलमान जनाब सुलेमान अली सलाम है और सिकंदर ज़ुल्करनैन है, जिनकी बादशाहत पूरी दुनिया में हुई, सल्तनत हर मुल्क पे, अफगानिस्तान, मिस्र, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया पे हुकूमत हुई 4 लोगों की। और अका अलैहिस्सलाम की हुकूमत तो ज़मीन पे, आसमान पे, हर चप्पे चप्पे पे है। वह हुकूमत दूसरी है, बज़ाहिर कमान संभालने वाली हुकूमत 4 लोगों को मिली है पूरी दुनिया में, 2 काफिर 2 मोमिन। और उन 2 काफिरों में से एक नमरूद था और एक बख्त नसर है, वो बदबख्त। वो था एक बुत के सामने, नसर नामी एक बुत के सामने एक बच्चा पड़ा हुआ था, लावारिस, कोई माँ बाप नहीं। एक शख्स ने उसको पाला पोसा, उसका नाम नसर की निस्बत से बख्त नसर रख दिया, और एक जलील लावारिस बच्चा आगे चल के पूरी दुनिया का बादशाह बन गया। अल्लाह ने पूरी दुनिया का बादशाह बना के ये बताया है कि बादशाहत कोई बड़ी चीज नहीं है। अल्लाह ने उस जलील और लावारिस बच्चे को पूरी दुनिया की बादशाहत दे दी। अगर बादशाहत बड़ी चीज होती तो उस लावारिस बच्चे को कभी दुनिया का हाकिम अल्लाह नहीं बनाता। इसलिए कभी भी सल्तनत पाके, दौलत पाके, बादशाहत पाके, नौकरी पाके, मुलाजमत पाके, क्योंकि गांव देहात में बड़ा घमंड रहता है, 10 बीघा जमीन खरीदा, सोचता मुझसे बड़ा कोई नहीं। पहले टाली और टीन का घर था, अभी छतदार घर 10 कमरे का बना लिया, सोचता मुझसे बड़ा कोई नहीं। अल्लाह ने तो पूरी दुनिया का बादशाह बनाया किसको? लावारिस बच्चा, जिसकी माँ का पता नहीं, जिसका बाप का पता नहीं। क्यों? अद्दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किलाब। हदीस में आया है कि दुनिया मुर्दार है, उसका तलबगार कुत्ता है। और मरो दुनिया के लिए, जिस दुनिया के लिए नमाज छोड़ी जाए, जिस दुनिया के लिए ज़कात न दी जाए, जिस दुनिया के लिए हज और ज़कात में मौखर किया जाए, जिस दुनिया के लिए अखलाक को पामाल किया जाए,
जिस दुनिया के लिए जन्नत को फरामोश कर दिया जाए उसके लिए यह दुनिया एक मुर्दार की मानिंद है और उसका तलबगार कुत्ता है। मरा हुआ जानवर आदमी नहीं खाता है, कुत्ता खाता है। और यह हदीस पाक में आया है कि दुनिया मिसले मुर्दार के है और उसके तलबगार कुत्ते हैं। जो नमाज रोजा छोड़कर सिर्फ पैसा कमाए उसकी मिसाल कुत्तों की जो मुर्दार पे रीझ रहा है। अल्लाह ने पूरी दुनिया की जब बादशाहत उस लावारिस बगैर मां बाप के बच्चे को दे दिया तो अल्लाह ने बताया कि दुनिया जलील है और जलीलों को दी जाती है। दुनिया जलील है, जलीलों को ज्यादा दी जाती है। अब भी तुम कभी बादशाहत को देख के तरस खाएगा कि हम बादशाह नहीं है? किसी मालदार को देख के तरसेगा कि मैं मालदार नहीं हूं? किसी की नौकरी को देखने के बाद तरस खाएगा कि मैं नौकरी वाला नहीं हूं? किसी की 10-20 लाख की कार देख के तरसेगा कि मैं उसकी तरह कार वाला नहीं हूं? ये कार, गाड़ी, बंगला, मकान, नौकरी, मुलाजमत, बादशाहत देख के तरस खाने की चीज नहीं है। ये दुनिया जलील है, अल्लाह जलीलों को ज्यादा देता है। हां, अगर इस दुनिया के साथ अगर दीन वाबस्ता है, यानी अगर हलाल की दुनिया है, नमाज रोजे हज ज़कात के साथ दुनिया है, जन्नत और आखरत की तलब के साथ दुनिया है, ये फजल इलाही है कि अल्लाह यहां भी आराम देगा, मरने के बाद भी आराम देगा। और जिस दुनिया को मुर्दार कहा गया वो दुनिया जो नमाज रोजे हज ज़कात छोड़ के कमाए जाए वो दुनिया मिस्र मुर्दार के है, उसका तलबगार कुत्ता है जो नमाजें छोड़ के दुनिया कमाए। अब जो लोग पाबंदी से नमाज छोड़ते हैं और ये समझते हैं कि जन्नत मेरी जागीर है, वो होश के नाखून ले लें, जन्नत हमारे बाप की नहीं है, जन्नत हमारे मन से नहीं मिलती है। मुस्लिम शरीफ की हदीस मैंने आज ही पढ़ी, अकाल इस्लाम फरमाते हैं कि अमल की बुनियाद पर जन्नत नहीं मिलेगी। मुस्लिम शरीफ हदीस में आया है, नमाज रोजा हजो जक़ात फर्ज है, अदा करना है। एक नमाज छोड़े हराम गुनाह है, कबीरा है, वो तो फर्ज है, पढ़ना ही पढ़ना है। अल्लाह की जमीन पर रहते हैं, अल्लाह का दिया हुआ खाते हैं, अल्लाह की दी हवा में सांस लेते हैं, तो शुक्र अदा करना है। वो शुक्राना है नमाज पंजगाना, उसके बगैर खा पी करके जिंदा रहने का मतलब है कि ढेट पनी, दिलेरी, न जमीन हमारी ना आसमान हमारा, और जिसकी जमीन है उसकी जमीन पर रहने के बाद उसी की नाफरमानी, वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सब्र से काम लेता है, वरना दुनिया तो कब ना खत्म हो जाती। एक वक्त की नमाज कोई छोड़ता अल्लाह जमीन में धसा देता। मस्जिद में अजान हुई, 999 आदमी घर में सोए हैं, एक बूढ़ा मस्जिद की आबरू बचा रहा है, उसी दिन आसमान से आग बरस जाती। इसीलिए जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला है कि नहीं है, वो शराब पीता है कुछ नहीं हो रहा है, वह सूद खा रहा है 10-20 साल से कुछ नहीं हो रहा है, वह जुल्म कर रहा है कुछ नहीं हो रहा है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बोलते हैं अरे अत्याचार कर रहा है, 12-13 साल से पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबरू लूट गई, और गौसफा किस दिन काम आएंगे, गरीब नवाज की करामत किस दिन काम आएगी, वह मौलवी भी नहीं जानता है सच्चाई, वरना ऐसी बात ही नहीं बोलता। चूंकि यह दुनिया दारुल अमल है, दारुल जजा नहीं है, यह दुनिया काम की दुनिया है, बदली की दुनिया नहीं है। बदली की दुनिया है मालिक यौमिद्दीन, रोजे जजा का मालिक, रोजे जजा है वो, द डे ऑफ जजमेंट वो है। यहां तो तुम शराब पियो, पाप करो, मस्जिद को तोड़ो, खाने काबा को ढा दो, गिलाफे काबा को जला दो, कुछ नहीं होने वाला है। अल्लाह किसी किसी को सजा देता है कभी कभी इबरत की खातिर, वरना खाने काबा को जलाने का प्लान लोग बना रहे हैं। सिद्ध शेखन करीमैन की लाश मुबारक को निकालने का लोगों ने प्लान बनाया, खाने काबा को एक हबशी आने वाले अखीर जमाने में ढा देगा। अब यजीद के सिपाहियों ने खाने काबा पे पत्थरों की बारिश कर दी, खिलाफ काबा को जला दिया, इस्माइल अली सलाम की जगह जो जन्नती मेंढा जबा हुआ था उसकी हड्डियां मौजूद थी खाने काबा के अंदर में, इन्हीं यजीदियों की शरारत के टाइम में वो हड्डियां जल गईं। ये सब कुछ हुआ। अगर वालों, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत बदला देना चाहता तो जैसे अबरहा का हाथी बढ़ा था काबे की तरफ, सबको धंसा दिया, सबको, अबाबिल का लश्कर सबको तबाह कर दिया, उसी तरह से यजीद का सिपाही जब बढ़ा था उसको जमीन में धंसा देता, अल्लाह आसमान से पत्थर गिरा देता, जिस तरह से बाबरी मस्जिद पर ये लुच्चे लफंगे चढ़ गए थे ऊपर में तोड़ने लगे, अल्लाह चाहता सजा देने के लिए तो आसमान से पत्थर गिरा देता, सबको जमीन में धंसा देता। लेकिन चूंकि ये दुनिया दारुल जजा नहीं है, ये दारुल अमल है, काम की दुनिया है ये। अमल माशीत कमा तुदीन तुदान,
जो तेरी मर्जी में आए कर ले, शराब पी ले, जिना कर ले, माँ बाप को मार दे, अपनी बीवी की गुलामी कर दे, मौलाना को छोड़ करके किसी काफिर के साथ भाग के शादी कर ले, मस्जिद से निकल के मंदिर में चला जा, मुसलमानों का बेटा किसी चमारीन के साथ भाग जाए, कुछ भी कर ले चलेगा सब, ये दुनिया है। ए अमल माशीत कमा तुदीन तदान, अलबत्ता याद रखना जैसा करेगा वैसा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, क्योंकि सब दिन दुनिया में रहेगा नहीं, तुम 100 साल के अंदर ही तेरी जिंदगी का खात्मा होगा। 70 साल, 80 साल, 90 साल, मैक्सिमम 100 साल, 100 साल के आगे नहीं जिएगा। करोड़ों अरबों में कोई एक दो आदमी जी जाए तो वह मुर्दा से बदतर है वह जिंदगी, जिस जिंदगी में होशो हवास ना हो, बिस्तर पेशा पाका ना हो। यानी जिंदगी 100 साल के अंदर ही बोरिया बिस्तर समेट के चलिए आखिरत की तरफ, और कौन आखिरत, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, जहां का एक दिन 50,000 साल के होगा के बराबर होगा। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी से पैदा किए हैं, इसी में फिर तुमको लौटा के भेजेंगे, फिर वहीं से निकालेंगे, अब तुमसे पूछेंगे कि बताओ तुमने दुनिया की जिंदगी का इस्तेमाल कैसे किया। अब वो है दारुल जजा, अब वहां राई राई का हिसाब होगा, पाई पाई का हिसाब होगा, जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। यौम एजिन तुहद्दिसु अखबारहा, उस दिन जमीन गवाही देगी कि इस जमीन पर बैठ के तुमने जलसा सुना, इस जमीन पर बैठ के तुमने तिलावत की, इस जमीन पर बैठ के 2 रकअत नमाज अदा की, या इस जमीन पर बैठ के गीबत की महफिल सजाई, या तुमने चुगलखोरी की महफिल सजाई, या तुमने इस जमीन पर बैठ करके शराब की महफिल सजाई, क्या किया तुमने? मकई के खेत में, बांस की डीह में, तुमने 5-स्टार होटल में चोरी छुपी, क्या किया? ये जमीन गवाही देगी। एक जमीन सीसी कैमरा की तरह हमारी हर एक्टिविटीज की नोटिस ले रही है। आप ये मत समझें कि मैं बेलगाम हूं और मैं जंगल चला गया तो कोई हमको नहीं देख रहा है। इस्लाम का बुनियादी फॉर्मूला है कि अल्लाह है, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह को न नींद आती है न औंग, अल्लाह है, अल्लाह सबको देख रहा है। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह को खबर है। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, जो कुछ आप कर रहे हो अल्लाह सब देख रहा है। आप जो कुछ कर रहे हो और अल्लाह देख ही रहा है। अब 2 फरिश्तों को दोनों कंधे पर निगहबान बना के रख दिया है कि तुम दोनों इनके काम को, इनकी एक्टिविटीज को नोट करते रहो, और ये सारा रजिस्टर कयामत के दिन इनके सामने पेश होगा कि तुमने कितनी नेकी की है, तुमने कितनी बुराई की है। ये 2 फरिश्ते अलग नोट कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो देख ही रहा है, और उसके बाद ये हाथ पांव जो हमारे हैं, इन हाथ पांव को भी अल्लाह ने खबरदार किया है कि तुम नोटिस ले कि तुझसे ये क्या काम ले रहा है। ये हाथ जुल्म की तरफ उठ रहा है, यह हाथ किसी के फायदे के लिए उठ रहा है, ये पांव मस्जिद जलसगाह मदरसे की तरफ जा रहा है, या शराब की भट्टी सनीमा हाल जुआ के अड्डे या तवायफ के कोठी की तरफ जा रहा है। ये सारा पांव सारा चिट्ठा खोल के रख देगा कयामत के दिन, और ये हो के रहेगा। ऐसा नहीं कोई नॉवेल अफसाना है, ऐसा नहीं, ये हक और सच बात है। जिस तरह जमीन है ये सच है, बगैर खंबे के आसमान है ये सच है, अभी रात है ये हक है, दिन आएगा ये सच है, मैं जिंदा हूं मैं मरूंगा, चाहे अमेरिका के हॉस्पिटल में 50 करोड़ का इलाज क्यों ना करवाऊं, मरूंगा ये हक है। उसी तरह मरने के बाद आखिरत हक है, और जन्नत और जहन्नम हक है। चाहे कोई 1000 इनकार करे कि नहीं नहीं ये सब गलत बात है, मौला मौली के बोलने की बात है, मैं नहीं मरूंगा, सारी दुनिया उसको पागल कहेगी, तो मर के रहेगा वो। चाहे वो 1000 मुल्ला की बात झुठलाए, चाहे वो 1000 बोले कि ये सब बात गलत है, ये सब नहीं चलता है, इस साइंटिफिक दुनिया में ये सब होने वाला नहीं है, तो उससे बड़ा पागल कोई नहीं। मौत एक फैक्ट है, चाहे जब भी आए वो आके रहेगी, जब हमारी मर्जी के खिलाफ आके रहेगी, किस वक्त आएगी किसी को खबर नहीं है, अनसीन वक्त में आएगी। हम आज 100 साल का प्लान बना रहे हैं और सुबह के पता चला कि मस्जिद से मेरी मौत का ऐलान हो गया, लोग अब घर से बाहर निकल के खिताब करने जा रहे हैं, पुणे में वहां से डेड बॉडी वापस आ रही, लोग जलसा के लिए अपने घर से निकल रहे हैं, रास्ते से डेड बॉडी वापस आ रही, लोग तकरीर कर रहे हैं, तकरीर करते करते रूह निकल रही,
मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, वहां से डेड बॉडी वापस आ गई। खेत में हल चलाने गए थे, प्रेशर हाई हुआ, वहीं गिरे, वहीं मर गए। राजू श्रीवास्तव एक्टिव रहने के लिए, ताकि तोंद नहीं निकले, मैं लोगों को हंसाऊं, फिट रहूं, वो जिम जाता था, कॉमेडी की दुनिया का बादशाह। लेकिन उसी जिम में एक्सरसाइज करते हुए अटैक आया, गिरा, वेंटिलेशन पे गया और मर गया। कभी सोचा तक नहीं था कि मैं इस कदर जवानी में मर जाऊंगा। अभी 10 दिन पहले 46 साल का एक एक्टर फिट रहने के लिए सुबह शाम डेली जिम जाता था। ये मौलाना मौलवी क्या करेगा, ये सब खाली खाएगा, तोंद ऊंचा करेगा, सोएगा, इसका क्या करेगा। फिट रहने के लिए जिम जाओ, तब हार्ट मजबूत रहेगा, प्रेशर नॉर्मल रहेगा, शुगर नॉर्मल रहेगा, एक्टिव रहोगे, तोंद नहीं निकलेगा, लंबी जिंदगी जियोगे। 46 साल का एक्टर, वो 10 साल से जिम जाता था सुबह और शाम, वहीं एक्सरसाइज करते हुए अटैक आया, हॉस्पिटल भी नहीं गया, वहीं मर गया। अभी 10 दिन पहले एक आदमी नाच